दोस्तों एक्शन फिल्मों में कार चेन सीक्वेंस एक के बाद एक कार का ब्लास्ट होना हमारे दिल की धड़कनों को बढ़ा देता है। बोले तो बिना इन रोहित शेट्टी टाइप सीन के एक्शन फिल्म में तो मजा ही नहीं आता। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मों में ये ब्लास्ट कार सीन शूट कैसे होते हैं? क्या इसके लिए असली कारों को ही बम से उड़ा दिया जाता है? अगर आपको आइडिया नहीं है तो बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसे ही लाखों करोड़ों की गाड़ियों को बम धमाके से उड़ा देंगे तो फिल्म के प्रोड्यूसर कमाएंगे क्या? डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर इसके लिए खास ट्रोमा पर एक सेटअप नया तैयार करते हैं और असली कार की जगह टोए कार का इस्तेमाल किया जाता है और फिर एक टेबल पर बहुत सारा पाउडर बिछा दिया जाता है। पाउडर बिछाकर एक ट्रैक तैयार किया जाता है जैसे इस फोटो में दिखाया जा रहा है। डायरेक्टर सीन शूट करने से पहले हर कार को मार्क कर देते हैं ताकि एडिटिंग में आसानी हो सके और फिर कार पर ग्लू लगाकर उन्हें जला दिया जाता है। इसके बाद एडिटिंग के समय फी एफएक्स का इस्तेमाल करके क्रोमा पर शूट हुए इन शूट को रियल कार ब्लास्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऐसा करके फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स असली कार को ब्लास्ट करने में लगने वाला पैसा तो बचा ही लेते हैं, वहीं किसी भी तरह की दुर्घटना होने से भी टाल देते हैं। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि मूवी में कार ब्लास्ट कैसे की जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया यार।